की एक भावरे की दोस्ती एक गोबर के कीड़े से हो गया, एक गोबर के कीड़े से उसकी दोस्ती हो गई। एक रोज भावरे ने उसके घर गया, गोबर वाले कीड़े बड़े मित्र आज मेरे यहां आसन ग्रहण कर लो, उनके यहां रह गए। हुआ क्या, जब रात का समय आया तो कैसे कैसे तो भावरों ने फूलों का सुगंध लेने वाला उस गोबर के ढेरी में अपना आसन जमा लिया। किसी तरह से मित्र के घर आए हैं तो भाई किसी तरह से तो कष्ट काटना है, रात को बिताना है हमारे मित्र को, हमारे संगे साथी को कोई प्रकार का खेस ना हो। परंतु जैसे रात बिता, भावरे ने कहा, मित्रा आज तो मैंने आपके यहां आज रात गुजार लिए, कभी आप मेरे यहां आइए। दावत तो बराबर की होती है साथ संगत जी। एक रोज भावरे ने आदेश दे दिया, मित्र आज मेरे यहां आना है। वो गोबरौड़ा किरण ने बोला, ठीक है मैं आऊंगा मित्र आपके यहां। जब शाम हुआ उनके घर गया तो उन्हें बड़ी बढ़िया बढ़िया फूलों में अच्छी फूलों केवड़ों के फूल जो सबसे सुंदर देखता है उस फूलों को ला करके रखा कि आज तो मेरे मित्र आने वाले हैं। उस सिंहासन पर ले जाकर अपने मित्र को बैठाया। परंतु सात सिंह जी जब उस पर वो बैठ गया गद्दी पर तो उसको जरा से ये महसूस नहीं हुआ, जरा से उसको मतलब एहसास नहीं हुआ कि मैं कहां बैठा हूं, इसका सुगंध क्या है। उल मेल उसको नींद नहीं आता था, सात सिंह तो उसको चैन नहीं आता था, पूरी बेचैनी में था। भौरी ने जाकर बोला, मित्र मैंने तो बहुत बढ़िया सिंहासन तुमको दिया बैठने के लिए, परंतु ऐसे क्यों रात भर पूरी इधर उधर करवट फेरते रहा, क्या बात है। कहा, मित्र आज मुझे नींद नहीं आया, इसमें नींद ही नहीं आता, इसमें मुझे सुगम नहीं आता है। भौरी सोच में पड़ गया, भाई मैंने तो इतनी सुंदर व्यवस्था लग किया, अपने मित्रों को कितना बढ़िया सिंहासन दिया, अपने मित्रों को कितना बढ़िया दर्जा दिया, परंतु इनको नींद नहीं आता है, कारण क्या है। तब भावरे ने जाकर के उनके नाक कान में झांक करके देखा तो गोबर का ढेरी उसमें फंसा हुआ था नाक में कान में। उस तरह से जब भावरा जब ये देख लिया कि इनके में कोई दोष नहीं है, सुगंध तो नाक से उसका गोबर का जाता है, इसके कान में जो है वो गोबर का ढेरी पड़ा है, एक लकड़ी लेकर के भावरे ने उसको बाहर कर दिया। कहा, मित्र आप जिस सिंहासन पर मैंने तुमको बैठाया तो उस पर थोड़ा जा करके देखो। तो भावरा जैसे उस गद्दी पर गया, जैसे वो फूल पर गया, उसे चिपक गया, बोला, मित्र आप मुझे इसे जुदा मत करना, अपने चरणों से लगा करके रखना। तो सात सिंह जी यही संतों की कृपा होती है, हमारे अंदर लगी हुई कुछ ऐसी मैल जो वस्त्र में लग जाती है उसको संत महात्मा उसको साफ करके पवित्र करके हमें हमेशा ऊंचा दर्जा देते हैं।